हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल शायद आपके भी सामने ये ज़रूर आता हो। अब सवाल क्या है उसको सुनिए। उन्होंने पूछा है कि सर, जब भी मैं एंट्री कर रहा हूँ और जीएसटी को इनेबल कर रहा हूँ तो अपने आप वो डिसेबल हो जा रहा है, तो आखिर डिसेबल क्यों हो जा रहा है और इसका क्या सलूशन है? तो आइए जानते हैं कि इसका क्या सलूशन है। देखिए, ये हमारे पास कंपनी बनी हुई है, इसका नाम है शुभम स्टोर, देख ही सकते हैं आप। लेकिन अब दिक्कत इसके साथ ये है कि यहाँ पर जीएसटी इनेबल है या नहीं है इसको देखना है, या अगर आपने नई कंपनी बनाई हो उसमें जीएसटी चालू करना हो तो क्या प्रोसीजर हो सकता है ये देखना है। तो देखिए, नीचे यहाँ पर दो शॉर्टकट कीज दी गई हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्टकट कीज भी हैं ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे कॉन्फिगर के लिए F12 और फीचर के लिए F11, तो हमें फीचर पे जाना है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं और F11 प्रेस भी कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, तो बस इस ऑप्शन पे जाना है और एंटर कर देना है। तो जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर जीएसटी आपको नो मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर देना है। फिर जब एंटर कर देंगे तो नीचे आएगा कर्सर, यहाँ पर आपको फिर नो दिख रहा है, तो सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको भी आपको येस कर देना, यानी वाई प्रेस करके एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका लोकल स्टेट आएगा, जो आपका स्टेट हो वो स्टेट डाल दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से रहेंगी, आपका GSTIN नंबर आएगा। फिर यहाँ पर जो आपका डेट पे काम शुरू हो रहा हो उसी डेट पर आप जीएसटी भी फाइल करेंगे। भाई काम नहीं हुआ, ना कुछ बेचा ना खरीदा, तो जीएसटी कहाँ से फाइल करेंगे? तो काम शुरू जब से होगा तभी से जीएसटी भी फाइल करेंगे। तो 1 अप्रैल से मान लीजिए कि जीएसटी लागू हो रही है, हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, क्वार्टरली जीएसटी फाइल नहीं करेंगे। ई वे बिल आप चाहें तो यस कर सकते हैं, 50 किलोमीटर या इससे अधिक की रेंज जब होती है तो वहाँ पर ई वे बिल लगाया जा सकता है। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, तो यहाँ वाई प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको ये बॉक्स नजर आता है, ये बॉक्स देख सकते हैं जीएसटी डिटेल्स वाला, जिसमें आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिख ही रहे हैं, 3 ऑप्शन। पहला अननोन है, अननोन तो होगा ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है और नील रेटेड है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड यानी जीएसटी लॉ के बाहर रखे गए प्रोडक्ट्स जिनको जीएसटी लॉ के अंदर नहीं रखा गया है, और दूसरा नील रेटेड, नील रेटेड यानी जिन पर जीएसटी तो लगता है लेकिन सिर्फ 0%, वो प्रोडक्ट जो है नील रेटेड कहलाते हैं। और हमें तो टैक्सेबल ही रखना है, तो हम यहाँ टैक्सेबल ही रखने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, तो फिर ये कैसे आएगा? तो फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं F12 दिया गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कॉन्फिगर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए या F12 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें सभी जीएसटी टैक्सेस देखने हैं, तो ये नीचे दिया गया, नीचे वाला ऑप्शन देखिए, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा ऑप्शन में ये देख सकते हैं यहाँ पे नो है, इसको आपको यस करना है और एंटर कर देना है। तब देखिए यहाँ पर सारे जीएसटी टैक्सेस दिखने लगे आपको, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स भी दिख रहा है, सेंट्रल टैक्स भी दिख रहा है, स्टेट टैक्स भी दिख रहा है और सेस तो पहले से दिख ही रहा था। तो फिलहाल हमने टैक्स जो है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आधा आधा डिवाइड हो जाता है, और वही चीज़ इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो 12%, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आधा आधा डिवाइड हुआ है वो फुल लग गया है इंटीग्रेटेड टैक्स में। ठीक है, तो ये हो गया है, और बाकी सेस तो हमें लगाना ही नहीं है, तो यहाँ एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर सेस लगता है, जैसे कि पान मसाला हुआ, गुटखा हुआ, इन पर सेस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेस की बात हमें करनी ही नहीं है। यहाँ पर आए, एंटर कर दिया, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ये तो तरीका हुआ जीएसटी को चालू करने का। अब समस्या इनके साथ कहाँ पे आ रही है वो समझिए। अब जबकि आप फिर से F11 करेंगे या यहाँ से फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पर फिर वापस आएंगे, टैक्स को इनेबल करेंगे, यानी यहाँ पर इन्वेंट्री के नीचे आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये चीज़ नो मिलेगी आपको। ठीक है, तो इससे आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नो दिख रहा है तो ये सब नो हो गया है, ये एक्चुअल में येस है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देख ही सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको नो दिखाई पड़ रहा है, सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो नो ऑप्शन जब दिखाई पड़े तो इससे परेशान मत होइए, आपने इसे चालू कर रखा है ना, चालू ठीक से कर दिया है, एक्सेप्ट करा लिया है, तो ये चालू हो गया है। अब देखिए कंट्रोल ए करता हूँ और इसी में जीएसटी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। यहाँ वी बटन प्रेस करता हूँ, हम अभी कौन से वाउचर में है, पेमेंट में, हमें पेमेंट में रहना ही नहीं है, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है परचेज में, तो परचेज के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए परचेज पे चलते हैं। आपको एक बिल मिला होगा सप्लायर से, वो उसका जो बिल नंबर है, सप्लायर इनवॉइस नंबर है, वो यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। वो डेट आएगी जिस डेट पर आपको ये बिल दिया गया है, तो वो डेट डाल दिया हमने। और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, तो अल्ट सी क्या प्रेस करना है, अल्ट सी प्रेस करके एक लेजर बना देते हैं क्रेडिटर पार्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे राजू
क्रेडिटर के लिए सी लगा देते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं आप, सी सी से पता चलेगा क्रेडिटर है, या आप होलसेलर लिख सकते हैं या सप्लायर लिख सकते हैं। चलिए इस बार सप्लायर ही लिख देते हैं, SUPPLIER। तो राजू सप्लायर हमने कर दिया, एंटर किया, एंटर किया। अब देखिए ग्रुप में कन्फ्यूजन है, तो देखिए सप्लायर पार्टी का ग्रुप जो है हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर लगा लीजिएगा और बाकी ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखिएगा, एंटर करते हुए, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, और इनका स्टेट देख लीजिएगा सेम है कि अदर है, तो फिलहाल हम सेम स्टेट रख रहे हैं। और यहाँ पर बनेगा परचेज अकाउंट का लेजर, ठीक है। देखिए ये अल्ट सी करके आप बना सकते हैं, अल्ट सी किया और यहाँ पे लिखिएगा, टाइप कीजिएगा परचेज ए ऑब्लिक सी, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और ये ग्रुप रख लीजिएगा परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट रखने के बाद यहाँ पर एंटर करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंटर करके, परचेज अकाउंट रखने के बाद एंटर करके, एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसको लेना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास माउस एक पहले से बना हुआ है, आप चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कुछ बनाना तो यहाँ आराम से बना सकते हैं। पहले नीचे आ जाइएगा और ऑल्ट सी कर लीजिएगा, और ऑल्ट सी करने के बाद जैसे माउस के बजाय हम बनाना चाहते हैं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड बनाया, एंटर किया, एंटर किया। अब कीबोर्ड बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, तो यहाँ नंबर्स रख करके एंटर किया, एंटर किया। यहाँ से चाहे तो जीएसटी की डिटेल को जैसे 12% हमने लगाया है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से वाई प्रेस करके एंटर करिएगा ना, तो इस प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट चेंज हो जाएगा, यानी 12% बाई डिफॉल्ट जो लगा हुआ है उससे हट करके आप देना चाहते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए हम इस पर 5% लगाना चाहते हैं, देखिए इसमें सी जी एस टी और एस जी एस टी में 2.5% डिवाइड हो गया, ठीक है, जबकि आई जी एस टी में 5% है। अब यहाँ पर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब मान लीजिए 100 कीबोर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, और एक कीबोर्ड की खरीद रेट 200, तो इसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है। एंटर करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सी जी एस टी का लेजर लगाएंगे, देखिए पहले से बना रखा है इसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज है, सी जी एस टी आ गया। फिर यहाँ पे एस जी एस टी ये कर दिया हमने, और एंटर करके यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, द गुड्स Have been purchased, किस में परचेज हुआ है, उधार में कि कैश में, तो ये है क्रेडिट, यानी उधार में, ठीक है। तो परचेज ऑन क्रेडिट कर देंगे, ऑन ऑन लिखेंगे पहले, फिर यहाँ क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो गया ऑन क्रेडिट, एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये काम हो गया। अब आप जो है देखिए कि यहाँ पे जीएसटी भी कैलकुलेट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, अच्छा कितना परसेंट हुआ है, यहाँ पे दो बार डिप्रेस करते हैं, एंटर करते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे कि कितना परसेंट आखिरकार जीएसटी लगाया गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको टैक्स एनालिसिस का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और फिर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कीबोर्ड पे कितने परसेंट का टैक्स एनालिसिस हुआ है तो डिटेल यहाँ दिखाई देगा, F1 प्रेस कीजिएगा, तो ये डिटेल में 2.5% दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2.5%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है ना। और देखिए 2.5% के हिसाब से ये दिखा भी रहा है कि ये 2.5% लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कंसिडर दिया गया, तो अगर यहाँ पे जाते हैं तो फिर ये हाइड हो जाएगा, और दोबारा अगर क्लिक कर देंगे तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये टैली ERP 9 की स्थिति है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही लगभग टैली प्राइम में भी आपको करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई, अब देखिए अब चलते हैं फिर वापिस वही कि कहाँ से हमने जीएसटी चालू किया था, ये तो टैली की मेन मेन्यू पे आ गए हम, इसके बटन प्रेस करते हुए ESC का एक बटन होता है जो आपको कीबोर्ड में ऊपर के साइड मिलता है, किधर के साइड, ऊपर के साइड लेफ्ट साइड में मिलता है ESC यानी इसके बटन, और इसी के सहारे हम क्या किए हैं, बाहर आए हैं। इसके बटन एक बार प्रेस करेंगे तो बाहर आएंगे, फिर दूसरी बार प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको बाहर आना है, कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली पर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, या तो शॉर्टकट की F11 प्रेस कर सकते हैं आप, जैसे देखिए मैं यहाँ पे F11 प्रेस कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा, और नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए फीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये आ गया, और फिर यहाँ से स्टेटटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे तो वो ऑप्शन आपको नो ही मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये नो मिल रहा है, लेकिन इससे हमको कोई हानि हो रही है, हमारा काम तो हो जा रहा है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी चालू कर रखा है। अगर आप यहाँ पे वाई प्रेस करके जाते हैं तो आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी डिटेल भर दी गई है, ठीक है। और आपको अगर डाउट है यहाँ पर कि ये सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स ये भी तो नो है, तो यहाँ पे जाइए और क्लिक करिए, और क्लिक करके आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको भी यस कर दीजिएगा, एक बार इसको भी यस करके देख लीजिए, हालांकि ये ऑलरेडी यस है। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर आए, वाई प्रेस किया, और ये देखिए ये जो है 6% के हिसाब से लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने कितना कितना परसेंट लगाया है, 6%। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट पर ये चीज ना दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराते हैं, बाहर आते हैं, वी बटन प्रेस करके एक बार फिर परचेज की एंट्री करते हैं, यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे, यहाँ पर जो है कैश कर देते हैं, इस बार कैश करेंगे, तो यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे, और ये हो गया आपका कैश,
और कैश करके एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर। तो ये परचेज का लेजर लगाया हमने और यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट, इस बार माउस लेते हैं, तो ये माउस ले लिया और माउस के 660 पीसेस जो है परचेज हुए और एक की खरीद रेट रही 110 रुपये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हमने गलती करी है तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा, इस पे 12% कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वो जो ऑप्शन नो दिखा रहा है तो जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन यस है, भले ही वो आपको नो शो हो रहा है लेकिन वो है यस। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे अब एसजीएसटी, तो एसजीएसटी करेंगे, देखिए दोनों आ गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए या नरेशन डाल दीजिए, तो बस यही तो काम है, हो गया। अब आप जब प्रिंट आउट देखेंगे इसका वाला, तो यहाँ पे दो बार डीप्रेस करके आएंगे और देखिए ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले बिल पे चलिए और अल्ट पी कीजिए और एंटर कीजिए, और एंटर करने के साथ ही आप इसका प्रिंट आउट देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट देखना है, तो टैक्स एनालिसिस पे चलते हैं और टैक्स एनालिसिस पे जाने के बाद माउस पे कितना परसेंट लगाया गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ F1 प्रेस करेंगे अल्ट F1 डिटेल के लिए, तो अल्ट F1 किया तो यहाँ देखिए 6% के हिसाब से आ रहा है, तो जीएसटी तो कैलकुलेट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ठीक से चालू कर दिया है जीएसटी को तो कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी और इससे प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।